गुड मॉर्निंग, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1। जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आयताकार भूखंड की लंबाई क्या होती है और चौड़ाई क्या होती है। आयत का शेप देखो ये होता है प्रत्येक और 90 डिग्री का, आमने सामने की भुजा बराबर। अब आयत यानी भूखंड का क्षेत्रफल, यानी आयत का शेप है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई है 500 मीटर इंटू चौड़ाई है 300 मीटर, दोनों को गुणा किया तो आ रहा है ये मीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन इसी का, एक मीटर स्क्वायर भूखंड का मूल्य है 10,000 रुपये, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा। इस संख्या को इससे 10,000 से गुणा कर देंगे तो ये आ गया इतने रुपए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका परिमाप है 320 मीटर, यानी वर्ग का परिमाप दे रखा है 320 मीटर। परिमाप का मतलब होता है ऐसे स्क्वायर, इसकी चारों भुजाओं का योग, इन चारों भुजाओं को जोड़ दो वो परिमाप है। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4a या 4 इंटू भुजा, यू लिख दो, बराबर 320 मीटर, यानी 4a बराबर 320। समीकरण की तरह लिखे तो a बराबर 320, समीकरण की तरह हल करेंगे तो 4 कहाँ जाएगा नीचे। अब 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 8 32 और 0, यानी एक भुजा हो गई 80 मीटर। ठीक है, अब इसमें बोला है कि भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो यानी अब उसका वर्गाकार पार्क है तो पार्क यानी वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा ए स्क्वायर बोल दो, या फिर यू लिख दो भुजा गुणा भुजा, तो यानी 80 गुणा 80, अपनी भुजा 80 निकल गई ना, तो 0 0 और 8 64 मीटर स्क्वायर आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करो यदि उसका क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर है और लंबाई दे रखी है ये। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आयत का भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करनी है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल जिसका कितना क्षेत्रफल है 440 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है 440 मीटर स्क्वायर। ये एक तरह से आयत क्या है, एक भूखंड है आयताकार। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है इस भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करनी है, लंबाई दे रखी है 22 मीटर, इसकी लंबाई है 22 मीटर। तो आयत के अब इसी की चौड़ाई निकाले, तो चौड़ाई निकालने के पहले सूत्र लगाए, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एल गुणा बी यानी लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर किसके बराबर है 440। अब एल है 22 इंटू बी बराबर 440, तो बी यही छोड़े समीकरण की तरह 440, ये 22 आ जाएगा इसके नीचे, 22 एकम 22 और 22 दूनी 44 और ये 0, यानी 20 मीटर आ गई इसकी चौड़ाई। अब बोल रहा है इसका परिमाप भी ज्ञात करो आयताकार, तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप में ध्यान रखना हमेशा भुजाओं का योग होता है, तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2, लंबाई कितनी है 22 प्लस चौड़ाई कितनी है 20, यानी 2 गुणा ये प्लस है तो 22 और 20 जोड़ा तो कितना आ गया 20 और 40 तो 42। ठीक है, अब 42 को 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4 और 2 चौ 8, यानी 84 मीटर जो है ये आ गई इसका आयत का परिमाप। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोल रहा है एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, वही बोल रहा है आयत का परिमाप आयताकार शीट का। तो क्वेश्चन नंबर फोर हम यहां कर देते हैं, आयत का परिमाप और परिमाप दे रखा है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है लंबाई 35 सेंटीमीटर, लंबाई है 35 सेंटीमीटर 3 5। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है, परिमाप दे रखा तो परिमाप के सूत्र से ही लगेगा इसके अंदर, और तो परिमाप के सूत्र क्या है 2 गुणा l प्लस b किसके बराबर है 100 के, 2 लंबाई है 35 प्लस b अपने को पता नहीं है, चौड़ाई निकालनी है
बराबर 100। अब देखो दो को गुणा 35 से करो तो इस दो को गुणा 35 से भी करो और बी से भी करो, तो दो को गुणा 35 से करेंगे तो 35 दूनी 70 प्लस दो को गुणा बी से करेंगे तो 2b बराबर 100। तो 2b बराबर 100 और ये 70 चला जाएगा, यहाँ के माइनस हो जाएगा, यानी 2b बराबर कितना हो गया 30 और b बराबर समीकरण की तरह हल करेंगे तो बटे में आ जाएगा, 2 का भाग 30 में देंगे तो 15 सेंटीमीटर आ गई चौड़ाई। अब बोल रहा है इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करो, तो आयत का क्षेत्रफल आयताकार शीट है, तो यानी आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी 35 और चौड़ाई हमने निकाली 15, दोनों गुणा कर दे 15 5 75 हासिल के साथ 15 दूना 30 30 में हासिल के साथ जोड़ी तो 37, यानी 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर लगाएंगे जो भी यूनिट दे रखी है, और परिमाप निकालते हैं तो केवल सेंटीमीटर या मीटर ही लिखते हैं, स्क्वायर नहीं लगाते हैं। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd और 4th एक्सरसाइज 11.1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।